हाय एवरीवन, मैं हूँ पूजा। आप लोग देख रहे हो स्वीटी कुकिंग ब्लॉग। स्वीटी कुकिंग ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, चंगे भले होंगे। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बहुत ही एक यूनिक सी रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बनाने वाले हैं तंदूरी गोभी। तो चलिए बनाना। चलिए दोस्तों, तो आज बनाते हैं हम गोभी। गोभी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन आज हम बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से गोभी को। गोभी बनाने के लिए देखिए, हमने गोभी लिया है, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश गोभी लिया हमने, खेत से कटवा कर लाए हैं। खेत से बहुत ही बढ़िया गोभी है, बिल्कुल ताज़ा है ये। तो देखिए, इसके हमने डंठल हटा दिए हैं, काट दिए हैं, और इसको हमने अच्छे से गर्म पानी से वॉश कर लिया है, देखिए, ताकि इसकी जितनी धूल मिट्टी हो सब निकल जाए। तो हमने इसको बहुत ही अच्छे से गर्म पानी से धो लिया है, गुनगुने पानी से। तो चलिए हम आगे की तैयारी करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने लिया एक कटोरी। कटोरी में हम लेंगे ऑयल, ये देखिए, दो चम्मच हमने इसमें तेल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च और थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी पाउडर। अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे से, ये देखिए। बहुत ही बढ़िया से इसको मिक्स करना है दोस्तों, ये देखिए। तो ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। चलिए हम इसको एक ब्रश की मदद से इस गोभी को लेंगे, इसके ऊपर पूरे में हम लगाएंगे। तो ये देखिए, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे में लगा दिया, पूरी गोभी में। देखिए, इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे, लगे हुए रख देंगे, फिर हम इसको भून लेंगे। इसको छुएंगे ना, टेस्ट करेंगे, तो बहुत ही आराम से दब जाएगी। तो इसका मतलब हमारी गोभी पक गई है आधी, और आधी हम अभी जब मसाले के साथ पकाएंगे तब पक जाएगी ये। तो चलिए, इसको हम गैस को बंद कर देते हैं गोभी को। तो देखिए फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी जीरा, ये देखिए, और 1 चुटकी हींग डालेंगे। हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्जी में, तो 1 चुटकी हमने हींग डाल दिया है। जीरा को अच्छे से चटकने देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिया है बारीक चॉप करके लहसुन, बारीक चॉप कर लिया है चॉपर से। प्याज 2 बड़े मीडियम साइज़ के। तो चलिए, अब हम इसमें, जीरा हमारा चटक गया, अब हम डाल देंगे लहसुन। देखिए, लहसुन हमारा हल्का गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। इसको भी अच्छे से पकाएंगे। अब हम इन दोनों चीज़ों को गोल्डन होने तक पकाएंगे अच्छे से, जब तक अच्छे से भून ना जाए हमारा लहसुन प्याज, तब तक हम इसको भूनेंगे 3 से। तो ये लीजिए दोस्तों, देखिए प्याज लहसुन हमारा अच्छा सा गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मीडियम साइज़ का एक टमाटर, मीडियम साइज़ नहीं, बड़ा साइज़ का टमाटर था दोस्तों, देखिए। तो हम ये भी डाल देंगे इसमें, ये देखिए, इसको भी अच्छे से हम सॉफ्ट होने देंगे। चलिए, इसको भी हम पका लेते हैं, जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम देखिए दोस्तों, टमाटर भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो देखिए, सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे 2 स्वादानुसार नमक। यहाँ पे मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग नमक डालें। और फिर इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और जो सबसे मेन चीज़ है वो है कैच का सब्जी मसाला, ये देखिए, ये भी हम 1 चम्मच डालेंगे भर कर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। और हम डालेंगे यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, आप अगर नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, हरी मिर्च काट कर डाल लीजिए।
और फिर हम डालेंगे यहाँ पर एक चम्मच भरकर गरम मसाला, थोड़ा सा और डालेंगे, और फिर हम यहाँ पर डालेंगे देखिए एक चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च। दोस्तों ये तीखा नहीं होता है, कलर के लिए डाला जाता है। अब हम डालेंगे यहाँ पर एक चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अब हम इसमें डालते हैं फटाफट से पानी। ताकि मसाले हमारे जले नहीं, देखिए थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। अब हम इसको तो मसाले हमारे पक रहे हैं दोस्तों, तब तक हम गोभी हमारा ठंडा हो गया बढ़िया से। अब हम इसको कट करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया से भुंजा गया दोस्तों। देखिए इसको हमने रख दिया था तो ये पिचक गया, इतना अच्छा से पक गया, पक चुका तकरीबन, ये आधा पक चुका है, थोड़ा ही इसमें कसर है पकने की, वो भी अभी हम मसाले में जाएगा तो पक जाएगा। तो चलिए हम इसको काटते हैं फटाफट से। दोस्तों एक बार अगर इसको बनाकर खाओगे ना तो नॉनवेज खाना भूल जाओगे दोस्तों, सच बता रही हूँ, इतना यम्मी टेस्टी बनता है। ये देखिए वाह, थोड़े हम इसके पीसेस बड़े ही रखेंगे, इतने भी बड़े नहीं, थोड़ा इसको भी अभी कट करेंगे बीच से, अभी तो हम काट रहे हैं। ये देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि गोभी हमारी ताज़ी थी, बिल्कुल फ्रेश थी, तो बहुत ही अच्छे से ये कुक हो गई है, पक गई है भूनते भूनते ही। देखिए और इससे बहुत ही बढ़िया सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो बिना लाइक सब्सक्राइब किए मत जाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो ये देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, बहुत ही बढ़िया से मिक्स करना है ताकि जो मसाले हमारे हैं गोभी के अंदर बहुत ही अच्छे से चले जाएं। देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है इनको हल्के हल्के हाथों से। अब हम इसको ढक देते हैं, ढक कर इसको पकाएंगे, और हम 4 से 5 मिनट ढक कर चेक करके हम पकाएंगे इसको। 5 मिनट में बहुत ही अच्छे से पक जाएगी, जो भी इसमें कसर बाकी होगी पकने के लिए वो भी पक जाएगी, और मसाले इसके अंदर तक बहुत ही अच्छे से चले जाएंगे। फिर हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम सब्जी को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। वाह देखिए कितनी बढ़िया सब्जी हमारी फाइनली पक चुकी है। ये देखिए वाह, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हुई है। देखिए आप देख सकते हैं पक भी गई है, ये बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। पहले हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, ये देखिए खूब सारा, वाव। अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो हम सारा धनिया डाल देते हैं इसमें, बहुत ही अच्छी तरीके से मिला देंगे, और गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद दोस्तों। तो चलिए इसको हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ये देखिए दोस्तों वाव, देखिए है ना कितनी लाजवाब हमारी तंदूरी गोभी बनकर तैयार है। खुशबू तो दोस्तों इसमें से ऐसी आ रही है जैसे कि मीट खाना आप भूल जाओगे दोस्तों, सच बता रही हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी फटाफट से, और खाइए बनाइए इंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों।